नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के मेगा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। चुनावी घमासान के बीच पार्टियों का टिकट वितरण भी चल रहा है, तो ऐसे में टिकट मिलने से कुछ खुश हैं तो कुछ टिकट ना मिलने से नाखुश। ऐसा ही कुछ नजारा आगरा में देखने को मिला है, जहां टिकट कटने के बाद फतेहाबाद से भाजपा विधायक जितेंद्र वर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भाजपा छोड़ अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सपा में ज्वाइनिंग के साथ ही उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। अमेठी में आज उस समय टेट परीक्षा में अफरा तफरी मच गई जब एक मुन्ना भाई नकल करते हुए गिरफ्तार किया गया। पकड़े जाने पर वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसे कान के अंदर ब्लूटूथ फिट कर रखा था। टीचरों को शक हुआ तो उन्होंने उसकी सघन तलाशी ली। अंत में डॉक्टरों को बुलाकर ब्लूटूथ निकाली गई। अब उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं औरैया से ग्राम प्रधान के भाई की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत भटौली फफूंद में ग्राम प्रधान के भाई एक बुजुर्ग को जूतों से मारते हुए दिखाई दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि वीडियो बनाने वाले को भी धमकी दी गई है और इस धमकी का ऑडियो भी अब वायरल है। इस पूरी घटना को लेकर आपको बता दें कि बुजुर्ग ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सयाल थाना क्षेत्र के पुरवा शमा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर में आज टीईटी परीक्षा की सुबह 10 बजे से शुरुआत हुई। इसमें लगभग 8000 परीक्षार्थी शामिल हुए। कुल 11 केंद्रों में ये परीक्षा करवाई गई। सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए थे। कोरोना गाइडलाइंस का भी इस दौरान ध्यान रखा गया है। तो हमीरपुर की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज टीईटी की परीक्षा करवाई गई। आपको बता दें कुल 11 केंद्रों पर यह परीक्षा करवाई गई थी और इन केंद्रों में लगभग 8000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। तो आज टीईटी की परीक्षा, जो कि इससे पहले पेपर लीक मामले के बाद कैंसिल करवा दी गई थी, तो आज एक बार फिर टीईटी की परीक्षा करवाई गई। हमीरपुर में भी ये टीईटी की परीक्षा के जो विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीरें, ये टीईटी की परीक्षा के ही तस्वीरें हैं। 11 केंद्रों में ये परीक्षा करवाई गई, जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि कुल 8000 परीक्षार्थी हमीरपुर में शामिल हुए थे। इन परीक्षाओं को लेकर कड़ी सावधानियां बरती गई और चुनाव करीब हैं, ऐसे में पुलिस भी चाक चौबंद नजर आई। बाकी कोरोना की गाइडलाइंस का भी पालन करवाया गया। जौनपुर में कोरोना काल में रक्त की आपूर्ति एवं रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज सिटी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती एवं पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सैकड़ों लोगों ने रक्तदान कर महादान किया। वहीं संस्था के पदाधिकारी संदीप जायसवाल ने कहा कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ाव और दूसरों के दुख दर्द बांटने का यह जज्बा युवाओं को एक गौरवशाली पहचान देता है। तो नेताजी की जयंती के उपलक्ष्य में ये रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जौनपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जहां कई लोगों ने रक्तदान किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपूर्ति रक्तदान कोरोना काल में रक्त की आपूर्ति एवं रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज सिटी द्वारा ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती एवं पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही शिविर में सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। संस्था के पदाधिकारी संदीप जायसवाल ने बताया है कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ाव और दूसरों के दुख दर्द बांटने का यह जज्बा युवाओं को एक गौरवशाली पहचान देता है। आज सागन जेसीआई सागन सिटी द्वारा आयोजित सुभाष चंद्र बोस जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हम सभी प्रतिभागी अपना ब्लड डोनेट करके यहाँ एकत्रित करते हैं अनीता हॉस्पिटल में, और ज़रूरतमंद को इस ब्लड का जो जब उपयोग होगा तो डॉक्टर साहब के माध्यम से वो ब्लड मिल जाता है।
वहीं लखनऊ के इंदिरा गांधी सेक्टर 12 स्थित आजाद समाज पार्टी के कार्यालय में 30 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद रावत ने कहा कि समुद्र में नहीं कूदना, अब नदियां बनकर खुद लड़ा होना होगा। गोरखपुर से चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि गोरखपुर की सीट से लड़ने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चंद्रशेखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हैं, जहां आज चंद्रशेखर ने कई छोटे छोटे दलों के साथ आए हैं और उन्होंने कहा है कि अब समुद्र में नहीं जाना है, अब छोटे छोटी पार्टियों को एक साथ आना है और बड़ी लड़ाई को अंजाम देना है। तो थर्ड फ्रंट की जो बातें चल रही थी अभी तक, उनको एक नया रूप नया रंग देते हुए चंद्रशेखर आजाद रावत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर आजाद रावत ने, सुनिए। मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद और हो सकता है 2 घंटे बाद फिर आपसे मुलाकात हो, क्योंकि 2 जिम्मेदार साथी जिनको आना था वो सफर की वजह से नहीं पहुंच पाए। तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 2 घंटे बाद फिर आपसे मुलाकात हो। दूसरा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अब से 2 दिन पहले मेरठ में हमने एक गठबंधन का ऐलान किया था और जैसे वो गठबंधन की सूचना आगे बढ़ी तो बाकी साथियों को भी ये विश्वास हुआ कि अब सामाजिक न्याय का जो मोर्चा बना है उस मोर्चे में हम लोग भी शामिल होके और अपने साथियों के साथ खड़े होके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज सामाजिक परिवर्तन मोर्चा जो है इस नाम से अपने सभी साथियों को साथ लेके हमने ये गठबंधन बनाया है। मैं इसमें जो पार्टियां प्रमुख रूप से शामिल हुई हैं, क्योंकि उन सबके नाम लेने बहुत जरूरी है, तो मैं इसकी सूचना आपके माध्यम से दे रहा हूं। मैं एक बात और बता दूं कि भाई अब समुद्र में नहीं कूदना है, छोटे छोटे नदियों को इकट्ठा करके समुद्र बनना है। तो बड़े दलों से गठबंधन के अनुभव बहुत खराब थे, लेकिन हम जैसे सताए गए लोग जिनको धोखा मिला है उनसे गठबंधन के जो अनुभव है बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। वहीं लखनऊ में आज वक्फ संपत्ति को लेकर शमील शमसी ने प्रेस वार्ता की है। शिया अनाथालय लखनऊ की संपत्ति पर वसीम रिजवी की दूसरी पत्नी ने अपना हक जता दिया। साथ ही आपको बता दें कि फरहा उर्फ ब्यूटी ने वक्फ संपत्ति को बेचने का भी प्रयास किया, जिसके बाद सूचना मिलने पर वक्फ बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष शमीम शमसी और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने वक्फ मकान को फिलहाल कब्जे में ले लिया है। अभी 2-3 दिन से एक मुद्दा जो है वो खबरों में बहुत सरगर्म है। वो मुद्दा ये है कि शिया यतीम खाने का एक मकान है जिस मकान में वसीम रिजवी पहले रहते थे और उनकी पत्नी जो दूसरी पत्नी थी वो रहती थी। वसीम से दूसरी पत्नी की तलाक के बाद बतौर मेहर उनको एक पेंट हाउस दिया गया जो कि वक्फ की संपत्ति नखास में बना हुआ है। मार्केट बनवाई थी वसीम रिजवी ने कुछ पार्टनरों को लेके और उस पे छत पे उनका पेंट हाउस है। दूसरा, उस घर को वसीम रिजवी जिस वक्त त्यागपत्र दे गए हैं क्योंकि वो अनाथालय के अंदर प्रेमिसेस का घर है जिसमें अनाथालय में बच्चे जहां रहते हैं उस प्रेमिसेस का घर है, उसको खाली के वो स्वेता चाबी जो है वो वक्फ बोर्ड में हैंड ओवर कर गए थे। वक्फ बोर्ड से वो चाबी लेके मैंने जो है वो वहां पर जब खोला उसको तो फौरन ही कुछ महिलाएं जो हैं जिसमें एक निदा नाम की महिला थी कि जो अपने को वसीम की साली बता रही थी। मैं फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूं जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूं जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूं। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं, उसी पे बात करता हूं। राष्ट्रहित 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 किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। चलिए भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है, जवाब दीजिएगा। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुंच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे तब आपकी
मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहां पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहां पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे को डर भैया। तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि मैनाठेर छाना क्षेत्र के महमूदपुर में नामजद 8 लोग व अन्य 8 के अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप है। बता दें कि कुंदर की विधानसभा प्रत्याशी के पक्ष में बड़ी संख्या में वाहन जुलूस निकाला गया था, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। तो जहाँ एक तरफ आचार संहिता लागू है, ऐसे में प्रत्याशियों द्वारा जो लगातार भीड़ लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसको लेकर कई लोगों पर मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। तो ऐसी ही एक तस्वीर मुरादाबाद से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रत्याशी द्वारा भीड़ लेकर प्रचार प्रसार किया गया, जिसके बाद अब 8 नामजद सहित अन्य अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुजफ्फरनगर में आर्य समाज रोड स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब टीटी की परीक्षा देने के लिए छात्रों का कॉलेज के गेट पर ताला लग गया। छात्रों को आरोप है कि समय से पहले ही कॉलेज के गेट बंद कर दिए गए। वहीं छात्र छात्राओं के अभिभावकों का कहना है कि भारी बरसात के चलते वह समय से पहले ही कॉलेज पहुंच चुके थे, मगर कॉलेज प्रशासन द्वारा 9:30 पर ही कॉलेज का गेट बंद कर दिया गया, जबकि परीक्षा का समय 10 बजे का निर्धारित किया गया था। हंगामे की सूचना पर सीओ सिटी कुलदीप कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंच गए। हंगामा कर रहे छात्र छात्राओं को समझाने का प्रयास किया। बाद में हंगामा कर रहे छात्र छात्राओं को पुलिस प्रशासन द्वारा हल्का बल प्रयोग कर स्कूल के गेट से हटाया गया। वहीं चार्ट स्कूल प्रबंधन पर धांधली करने का आरोप लग रहा है। परीक्षा छूटने के कारण छात्र छात्राओं की आंखों में आंसू छलक गए। बस मैंने एंटर तो कर लिया था कॉलेज में, बट उन्होंने मुझे कॉलेज से बाहर निकाल दिया। मैंने उनसे कहा भी था, मेकअप व्हाट्सएप पे मैं मंगा रही हूँ मार्कशीट अपनी, वो मैं एडमिट थी तो इसलिए बस मैंने उनसे कहा भी था मेकअप मैं मार्कशीट मंगा रही हूँ, बट उन्होंने मेरी सुनी नहीं, मुझे कॉलेज से बाहर निकाल दिया। कौन से स्कूल में आप आए थे, कौन सी परीक्षा दी आज? यही है नवाब, ये जो है नवाब जामत इंटर कॉलेज। दर्शकों, जहां एक और नशा तस्करों द्वारा धड़ल्ले से मौत का कारोबार किया जा रहा है, वहीं सहारनपुर पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। जिले में नशे के काले कारोबार पर नकेल डालने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। आए दिन पुलिस नशे का कारोबार करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। अवैध नशे एवं नशे के व्यापार में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गंगू पुलिस द्वारा एक शातिर नशा तस्कर शाकिब को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शाकिब के कब्जे से अवैध 505 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50,50,000 रुपए है। मामले के बारे में प्रेस वार्ता कर एसपी देहात अतुल शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो नशा व्यापारियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसी में एक बड़ी सफलता जो है थाना गंगो को मिली है। इसमें मुखबिर की सूचना पर थाना गंगो को ये मिली थी ये सूचना कि एक गांव मैनपुरा जो पड़ता है वहां का एक शाकिब पुत्र इमरान ये जो है बड़ी खेप में स्मैक बाहर से लेकर आया है और ये यहाँ पर इसको वितरण करने का काम करता है, बेचने का काम करता है, जिस पर कि थाना गंगो द्वारा उपनिरीक्षक इंद्रसेन के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और उनके द्वारा इसमें जो है पूरा स्कीम करके इसको स्मैक के साथ बुलाया गया और इसके जब इसको पकड़ा गया तो इसके पास से करीब 505 ग्राम स्मैक जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 लाख रुपये है उसके साथ इसको गिरफ्तार किया गया। वहीं संभल में पुलिस की बदमाशों के गैंग से दो अलग अलग थाना इलाकों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 25,000 के इनामी 5 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में बदमाशों की गोली से एक सिपाही भी घायल बताया जा रहा है। सभी घायल बदमाशों और घायल सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश चंदौसी थाना इलाके में कुछ दिन पहले व्यापारी से 5 लाख की लूट के मामले में शामिल बताए जा रहे हैं। तो संभल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। ऐसे में 5 बदमाशों के आपको बता दें कि गोली लगी है, घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच पूरी मुठभेड़ में दो अलग अलग इलाकों में मुठभेड़ हुई थी तो ऐसे में एक पुलिसकर्मी के भी गोली लगने की बात बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ वो इलाजरत है। बाकी घायल बदमाश जो है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। आज सुबह थाना असमौली में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक लाल रंग की बाइक पर जा रहे सवार दो बदमाशों जिनके पैर में गोली लगी थी उनको गिरफ्तार किया गया था। ये एक वैन थी जो वहां से पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए भाग आई थी। इसके लिए हम लोगों ने पूरे जिले में चेकिंग का अभियान चल रहा था तो अभी 11:30 बजे के करीब यहाँ पर चंदौसी इंस्पेक्टर के द्वारा जब इस वैन को देखा गया, इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई और उसके बाद में ये गाड़ी को तेजी से भगाने के चक्कर में इनकी गाड़ी यहाँ पर पलटी है और ये लोग इसमें निकल के भागे तो यहाँ खेत में जब इनके द्वारा फायरिंग की जा रही थी तो जवाबी फायरिंग में इनमें से दो बदमाश जिनका नाम मुकेश और मुनेश है और एक परवेज, ये तीन लोगों के गोली लगी है, एक के हाथ में लगी है, दो के पैर में लगी है। इसमें से परवेज काशीपुर उत्तराखंड का रहने वाला है, बाकी दोनों सिरसी संभल के रहने वाले हैं। इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रोसेस में हमारा एक सिपाही भी अभिषेक, उसके भी चोट लगी है, गोली लगी है संभवतः। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर आपको बता रहे हैं, संभल से खबर है, संभल से जानकारी दे रहे हैं जहां अलग अलग इलाकों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान आपको बता दें कि 5 बदमाशों के गोली लगने की खबर सामने आई है जो कि 25,000 के इनामिया बदमाश बताए जा रहे हैं। इस बीच एक सिपाही के भी गोली लगने की बात सामने आई है। तो संभल से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस की बदमाशों की गैंग के साथ दो अलग अलग थाना इलाकों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 25,000 के इनामी 5 बदमाश के गोली लगी है जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में बदमाशों की गोली से एक सिपाही भी घायल बताया जा रहा है। सभी घायल बदमाशों और घायल सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश चंदौसी थाना इलाके में कुछ दिन पहले व्यापारी से हुई 5 लाख की लूट के मामले में शामिल बताए जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन यहां पर किसी न किसी रंजिश को लेकर खून खराबे की घटनाएं होती रहती हैं। ताजा मामला जिले के लोटन कोतवाली क्षेत्र के कन्हौलिया गांव का है जहां पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे के साथ साथ चाकूबाजी हुई। चाकू लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आपको बताते चले कि घायल इस्तियाक गांव के ही रहने वाले रफीकुल्ला से पैसे के लेन देन को लेकर काफी समय से रंजिश चल रही थी। आरोपी रफीकुल्ला के ऊपर इस्तियाक का पैसा बकाया था। इस्तियाक आए दिन अपने पैसे की मांग रफीकुल्ला से करता रहता था। बार बार पैसे की मांग से आजिज आकर रफीकुल्ला ने अपने परिजनों के साथ इस्तियाक के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले से इस्तियाक के सर में गंभीर चोटें आई हैं। इस्तियाक अपने ऊपर हुए हमले से इंसाफ की मांग कर रहा है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कनौलिया गांव में मारपीट हुई है आज, जिसमें एक व्यक्ति को चोट लगी है
और उसका उपचार कराया जा रहा है जिला अस्पताल में, स्थिति उसकी खतरे से बाहर है और प्रकरण को तत्काल संज्ञान में ले लिया गया है और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, तीन लोगों को हिरासत में ले लिया गया। उसका लड़का काम कर रहा था, वो मुझसे कोई मकान बनाने के लिए पैसा लिया था, जब पैसा मांगा मारपीट हमसे किए और फिर लड़के के मामला में हमें बझा दिए कि लड़के को मारे छेड़ रहा था, हम जेल भी गए, अभी 28 तारीख को छुटके आए हैं 18 तारीख को। उसके बाद जो है हम घर से देर के वजह से उन लोग को जा नहीं रहे थे, बोले मार देंगे, इकट्ठा रख के डाल देंगे चौकी में, FIR भी हमारे चाचा लड़का किया है। सीतापुर के रेवसा थाना क्षेत्र के खानपुर में दबंग युवकों ने DCM चालक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तस्वीरें सीतापुर की हैं, जहां पुलिस ने तीन युवकों पर कार्रवाई की है। तीनों युवकों पर आरोप है कि इन तीनों युवकों ने चालक की किसी मामूली वजह से पिटाई कर दी। तो दबंगों से पिटाई का यह मामला सामने आया है, जहां चालक को बड़ी तरीके से लाठी डंडों के साथ पीटा गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर तीन युवकों पर कार्रवाई की है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।